हेलो, हाँ जीएम प्रोडक्शन हाउस। हाँ जीएम प्रोडक्शन हाउस, हम ऑडिशन के लिए कॉल किया था। रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, तो ऑडिशन देने के लिए क्या प्रोसेस है हमको बताइए थोड़ा। पासपोर्ट साइज का फोटो, आईडी प्रूफ का जेरॉक्स और 300 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस। अच्छा ठीक। और एड्रेस कहाँ पर पड़ेगा? हाँ 11 से 3 बजे के अंदर कोलकाता टालीगंज। कोलकाता है टालीगंज, उत्तम कुमार स्टेचू है उसके सामने आ जाना। ठीक है ओके। ठीक है कोलकाता टालीगंज, ये तो बहुत दूर है, बहुत खर्चा भी होगा, क्या करें। मुझे पता था तो इधर ही रहेगा, मैं काम से घर आया तुझे नहीं दिखा तो मैं सोचा इधर ही मिलेगा तू। ठीक है सर, बैठते हैं। हाँ मेरा भाई, देख भाई तुझे सपना देख रहा है ना, ऊंचे लेवल का, ये सब छोड़ नहीं तो तुझे अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। ये सब छोड़, आज गरीब हैं हम लोग, इसको काम करना पड़ेगा ना, दोनों भाई मिलकर कुछ काम ढूंढते हैं। ठीक है, नहीं तो ये तुझे हीरो बनना है ना, अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। तो मेरा बात सुन, दोनों भाई मिलके कुछ काम करते हैं, अच्छे से खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। ठीक है देख भाई, हम हीरो बनने का सपना देख लिया, हम ये सपना को नहीं छोड़ेंगे, हम हीरो बनते रहेंगे। ठीक है एक बार प्लीज़ मेरा बात मान लो। चल ठीक है, तू हीरो बनना है ना। हाँ आज तेरा भाई सैलरी मिला है, चल घर जाएंगे पार्टी करेंगे, इसके बाद दोनों भाई मिलके हीरो बनेंगे। चल पार्टी करेगा तेरा भाई। चल भाई मैं काम पे जा रहा हूँ, तो घूमते रहेगा, बाहर जाने का कुछ काम है ना। ठीक, मैं काम से लौट कर तुझे बात करता हूँ। ठीक ओके बाय। इतना लेट क्यों हुआ? घर पे बहुत काम था, आज कल की माफ कर दीजिए, कल से ठीक टाइम पे आऊंगा। ठीक है जैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो नया ज्वाइन किया वर्ष ले, इसको काम सीखने में हमको अलग तरह हो जाएगा। हाँ सर, ऑडिशन देने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? अच्छा कोलकाता में। ठीक है सर, तो हम कल आ जाते हैं। ठीक है ठीक है सर, हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा। जहाँ भी ऑडिशन दे रहा है सब कोलकाता में बोल रहा है, कोलकाता तो जाने के लिए बहुत खर्चा पड़ जाएगा, क्या करेगा क्या करेगा। क्या ठीक है, दिखता है क्या मुझे। मैं समझ गया, उसका दूसरा काम पे मन नहीं लगेगा, उसका बस एक ही सपना है जैसे भी करके हीरो बनना है। मैं और मेरा प्यार उसका सपनों का कांटा बन चुका है, इसलिए वो बाहर का दुनिया आने से डर रहा है, इसलिए मैं उसका जिंदगी से दूर होना चाहता हूँ जिससे उसका सपना पूरा हो जाए। मुझे पता नहीं कैसे होगा, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा उस
उसका भलाई के लिए। क्या क्या चल रहा है? मैं तुझे बोला था ना काम ढूंढ। देख भाई, तू बोला था काम ढूंढने। हाँ, आज मैं अगर सिक्योरिटी का काम करता होगा तो क्या सिर्फ सिक्योरिटी का काम ही करता, लेकिन अगर मैं एक बार एक्टर बन जाऊंगा तो मैं सिक्योरिटी भी बनूंगा, पुलिस भी बनूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, सब मैं बनूंगा। ओके, एक बात सुन, ठीक है? आराम से, मैं तुझे कितनी बार बोला है हीरो बनना सब बड़े आदमी का है, सब जितना पैसा बिकेगा ना तभी तू, अभी तू शाहरुख सलमान सब बन जाएगा, तब पैसा नहीं है तो कुछ नहीं बनेगा। देख भाई, जो बड़ा बड़ा एक्टर है ना सब यही बोलता है पहले, मतलब मैं हम छोटा आदमी था, ये था वो था, सब छोटा से ही ऊपर उठा है। ठीक है, मैं सब समझा भाई, लेकिन देख ये सब फिल्मों में ही होता है, नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। गरीब आदमी है, कुछ काम ढूंढ, दोनों भाई मिलके काम करेंगे, अच्छे से रहेंगे। नहीं भाई, हम काम वाम नहीं करेगा, हम सीधा एक्टर बनेगा, बस मेरा एक ही सपना है, एक्टर बनेगा तो एक्टर बनेगा। देख भाई, तू तो नहीं समझेगा मेरा बात, तो ठीक है तू हीरो बन या फिर तू मुझे ढूंढ ले या हीरो वाला लाइफ ढूंढ ले, जो बनना है तेरे ऊपर, क्या करेगा वो? देख भाई, हमने एक बार सपना देख लिया है तो हम अपना सपना को नहीं छोड़ सकते, तो हम हीरो ही बनेगा। चल ठीक है, तेरा लाइफ तेरा मर्जी भाई, मैं कौन हूँ बोलने वाला। चल ठीक है, तेरा मर्जी। ठीक है, तुम चला जा रहे। ठीक ठीक है। मेरा भाई तो बोला था कि बड़ा कंपनी में काम करता है, लेकिन यहाँ ये कर रहा है, इतना प्रॉब्लम झेल रहा है मेरे लिए, इतना मुझसे देखा नहीं जा रहा। इससे अच्छा मैं ही खुद ही उससे मैं दूर चला जाता हूँ। मैं ये तो कर नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं उससे दूर चला जाऊँगा। जब भी मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊँगा मैं उसके पास फिर चला आऊँगा, लेकिन अभी ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा, देखा नहीं गया मुझसे। ওকে ভাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।